सबसे पहले तो जो किसान भाई हमारे बत्तख पालन करना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके आर्थिक स्थिति में सुधार हो। जी हाँ किसान भाइयों, जैसे हम बत्तख पालन की बात कर रहे थे, बत्तख पालन भारत के लिए नया नहीं है, ये बहुत ही प्राचीन काल से ही हम लोगों के बीच में रहा है और काफ़ी लाभदायक रहा है। अभी के संदर्भ में भी कहेंगे तो जो भारत अंडे के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर चुका है और कहें तो अब इसकी आवश्यकता ये है कि बत्तख पालन को भी जैसे चिकन्स को हम या पोल्ट्री सेक्टर को जिस तेज़ी से हम लोग बढ़ाने के लिए तरह तरह के साइंटिफिक इंटरवेंशन कर रहे हैं, तो उसी तरह से बत्तख पालन में भी कुछ वैज्ञानिक विधि को अपनाने की ज़रूरत है। तो किसान भाइयों, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आप सब लोगों को नस्ल के चुनाव की। तो नस्ल के चुनाव में थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अभी आप देखें तो चुनाव करते समय हम इसको दो भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। ये कहें तो पूरी तरह से निर्भर करता है कि किसान भाइयों के आसपास का बाज़ार किस तरफ है। बाज़ार के अनुसार में, बाज़ार में जो मांग है उसके अनुसार में आप अपने बत्तख पालन से जुड़े नस्ल जो हैं, बत्तखों के नस्ल का चुनाव आप कर सकते हैं। जैसे जो किसान भाई अंडे के लिए बत्तख पालन करना चाहते हैं, तो भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो अंडे के लिए यहाँ पे जो अच्छे परफॉर्म करने वाले जो ब्रीड्स हैं उसमें जैसे खाकी कैम्बल बहुत ही अच्छा कर रहा है, इसके साथ इंडियन रनर, ये नागेश्वरी या इस तरह के जो ब्रीड हैं यहाँ पे भारत में जो जलवायु है उसके अनुसार में बहुत ही अच्छे तरह, जैसे खासकी कैम्बल और इंडियन रनर की अगर हम बात करें तो ये करीब अपने जो एक एक सालाना उत्पादन की बात होती है तो यहाँ पे 250 से 300 तक अंडे ये इंटेंसिव कंडीशन में देते हैं। इसके अलावा जो किसान भाई मांस के लिए रखना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी ब्रीड अलग से चुनाव करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मांस के लिए आप वाइट पेकिन का आप चुनाव कर सकते हैं। इसके साथ अगर CPDO हिसारघाटा के द्वारा डेवलप किया हुआ व्हाइट पेकिंग से ही डेवलप किया हुआ एक ब्रीड है भिगोपा सुपर, इसकी भी बहुत अच्छी मीट पर्पस के लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। इसके अलावा मस्कोवी या चाइना डक, इस तरह के ब्रीड को अगर आप नस्ल को अगर आप चुनते हैं तो मांस उत्पादन करने के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। या किसान भाइयों, देख रेख में थोड़ी बहुत अगर आप जो करते हैं अपने इतने प्राचीन समय से जो आप करते आ रहे हैं उस पर थोड़ी थोड़ी एक वैज्ञानिक टच देने की आवश्यकता है, वैज्ञानिक सोच उसमें थोड़ा सा लगाने की आवश्यकता है जिससे आप इसको एक व्यवसायीकरण का व्यवसाय का रूप दे सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले ध्यान देना होगा आपको हाउसिंग सिस्टम पे। जैसे आप जानते हैं बत्तखों के आवास के लिए हमें बहुत अधिक इम्प्रूव या बहुत अच्छा आवास की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप ऐसा आवास की कोशिश करें बनाने का जिसमें हवादार रहे, अंदर में बहुत ज़्यादा नहीं कीचड़ नहीं बने, थोड़ी सूखा रहे, इस तरह का भी घर बनाते हैं तो चलेगा। इंटेंसिव स्थिति में अगर आप पूर्ण रूप से बत्तख को कहीं छोड़ नहीं रहे, 24 घंटा अगर बत्तख आपके घर पे है तो वहाँ पर आप 4 से 6 स्क्वायर फीट प्रति बत्तख के अनुसार में फ्लोर स्पेस जो रहने का जो क्षेत्र है उसको आप कर सकते हैं। कहने का मेरा मतलब शुरुआती समय में आप 20 से 22% प्रोटीन वाले दाने को आप यूज़ करें तो उन सबों में शरीर वृद्धि अच्छी होती है। एक उदाहरण के स्वरूप कहें 10 kg अगर आप दाना बना रहे हैं तो उसमें 4 से 5 kg अन्न को रखें और 3 से 4 kg जो मार्केट में राइस पॉलिश या DORB मिलता है, डिवाइल्ड राइस ब्रान मिलता है, इन सब तरह की जो फैक्ट्री बाई प्रोडक्ट है उनको 3 से 4 kg रखें। इसके अलावा 10 kg में 1 kg कोई भी खल्ली, जैसे सरसों खल्ली, जिंसी तिल, जो आपको सस्ता लगे उस तरह से खल्ली रखें। मछली का चूर्ण मिलता है तो बतख के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसके साथ करीब 300 से 500 ग्राम मिनरल मिक्सचर रखें और 50 से 75 ग्राम अगर उसमें एंटीबायोटिक मिला दें तो और भी अच्छा रहता है। इससे आपको बत्तखों का एक संतुलित आहार बन जाता है। के अलावे आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। बत्तख में कहें तो ऐसे बीमारी भी दूसरे पक्षियों की अपेक्षा, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। इन सबों में रोग से लड़ने की शक्ति उन सबों की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। तो आप मुख्य रूप से अगर कहें तो बत्तखों में होने वाली बीमारियों में डक प्लेग सबसे मुख्य होता है, डक कॉलेरा इसके बाद में आता है, इसके अलावा आप एफ्लाटॉक्सिसोसिस और जो कोलाई बेसिलोसिस जैसे बीमारियों से अगर आप अपने बत्तखों का बचाव करते हैं तो आप इससे काफ़ी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे हम बात कर रहे थे डक प्लेग, डक कॉलेरा और डक हेपेटाइटिस के लिए बाज़ार में ये वैक्सीन भी उपलब्ध होता है, टीकाकरण उपलब्ध होता है। आप अगर इन सबों का टीकाकरण नियमित रूप से कराएं तो इन रोगों से भी निश्चित रूप से अपने बत्तखों को रक्षा कर सकते हैं और मृत्यु दर काफ़ी कम कर सकते हैं और इससे एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।